नाराज हो? नाराज तो होना ही चाहिए मुझे आपसे साईं। इतनी कठिनाइयों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँचा मैं ही जानता हूँ, वो भी इतनी उम्मीद लेकर। उस दिन जब हमारी बैलगाड़ी की तलाशी हो रही थी और वो पुलिस वाले हमें देख नहीं पाए, तब हम समझ गए थे कि आपका ही चमत्कार है। उस दिन हमें ये विश्वास हो गया था कि जब आप इतनी दूर से हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं तो आपसे मिलकर तो हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो ही जाएंगे। मैं एक राजा हूं साईं, लेकिन आज आपके सामने एक भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़ा हूं ताकि मुझे एक बेटे की प्राप्ति हो जाए। अपनी रियासत, अपना राजपाट बचाने के लिए एक पुत्र की कामना करना क्या गलत है साईं? अब ये राजा वो अवतार बनेगा जिसके जरिए मैं साई को हराऊंगा, नीचा दिखाऊंगा और मेरी सिद्धि का उपाय भी होगा। अगर मेरे वश में होता तो मैं जरूर मदद करता, लेकिन ये सब तो उस मालिक के हाथ में। तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो देवधर, भटकने की आशंका है। मंदिर तो इस दिशा में है। देवधर, जब हम आशाहीन हो जाते हैं तब भटकने लगते हैं, और तुम्हें भी मुझे यही सलाह देनी है, बेटे की चाह में इतने अंधे मत बन जाओ कि सही गलत में भेद ही ना कर सको। ऐसा कुछ मत करना जिससे बाद में अपने आप को पछताना पड़े, जहां से चाहकर भी तुम वापस ना आ सको। एक बात याद रखना, सब मालिक पर निर्भर है और किसी के वश में कुछ भी नहीं है। मालिक को खुश करने का कोई तो तरीका होगा साईं। धन्यवाद साईं, आपके कारण मेरी बेटी ठीक हो गई। मैंने कुछ नहीं किया गंगाराम जी, ये सब तो आपकी भक्ति के कारण हुआ है। सही, लेकिन भक्ति मैंने की का, आपने शिवलिंग चढ़ाने से मना जो कर दिया था। आइए मेरे साथ, तुम भी चलो देवधर, शायद तुम समझ सको कि ईश्वर को क्या चाहिए। आओ। गंगाराम जी, ये उसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं जहां आपने पैसे दान दिए थे। गौर से देखिए इन्हें। मुझे तो इन बच्चों में भगवान दिख रहे हैं। गंगाराम जी, हर बच्चे में और तो और हर इंसान और जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है, और इसीलिए अगर उस ईश्वर को खुश करना है तो जीवन की रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, यही सबसे बड़ी साधना है। हमारे ईश्वर तो वो हैं जिन्होंने माता कैकेयी की खुशी के लिए अयोध्या को मुस्कुराते हुए त्याग दिया, तो वो क्यों चाहेंगे कि आप अपने पैसे सोने चांदी में खर्च करो, जबकि उन्हीं पैसों से किसी गरीब की मदद हो सकती है, किसी असहाय को सहारा मिल सकता है। आपने अपने पैसे दूसरों की मदद के लिए लगाए, इसलिए ईश्वर ने आपकी मदद की।
यही जीवन चक्र है, यही जीवन का नियम है। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। यही जीवन का एकमात्र सच है, और यही आप दोनों को समझना है। अपनी सहूलियत के हिसाब से तो सब पुण्य कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मौका मिलता है दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करने का। लेकिन हमें खुद को इतना सबल बनाना चाहिए कि ऐसे मौके पर भी हम अपने फायदे के लिए किसी का बुरा ना करें। बाकी अल्लाह मालिक। कमाल है, अभी इसे आधा दिन भी नहीं हुआ पैदा हुए और ये ऐसे मुस्कुरा रहा है। ये बच्चा सबके चेहरे पर खुशी लाएगा। साई, हम चाहते हैं कि इसका नाम आप ही रखें। ये बच्चा आने वाले समय में बहुत ही साहसी होगा, अपनी वीरता से पहचाना जाएगा ये, इसलिए इसका नाम वीर रख सकते हैं। वीर साई, ये बहुत ही अच्छा नाम है। राजा देवधर को यहीं कहीं देखा गया था, ढूंढो उन्हें। देवधर चलो आ जाओ। हर जगह ढूंढो, वो कहीं भाग ना पाए। ढूंढो महाराज। संता, जाके पुलिस वालों का ध्यान भटका। हाँ। क्या हुआ साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? राजा देवधर, उनकी छोटी रानी। सुना यही कहीं आए हैं? है नहीं, थे। मैंने उनको अभी नगर की ओर जाते हुए देखा है। वो अपनी बैलगाड़ी से अभी उस तरफ गए हैं। चलो, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो ढूंढो। हाँ, बच गए। हरिओम। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? हरिओम हरिओम। देखिए महाराज, कुलकर्णी सरकार का सबसे बड़ा धर्म है संकट में फंसे लोगों की सहायता करना। और देखिए, ये तो आरंभ है, असली मदद करना तो अभी बाकी है। यदि आप अनुमति दे तो सम्मान पूर्वक मैं आपको आपकी राजधानी तक छोड़कर आ सकता हूं। लेकिन देखिए राजन, मुझे भय है कि कई पुलिस ने आपको देख लिया तो आपको बंदी बनाकर ले जाएंगे। वो बंदी की तरह, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य ही है कि हम जैसे लोगों को अपमानित करके मनोबल तोड़ना, आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाना। और राजन, आपकी जो दूसरी समस्या है उसका भी उपाय मेरे पास है। दूसरी कौन सी समस्या? लो। पुलिस से सुना है कि आप पुत्र की मंशा से कहीं गए थे। मुझे बताइए क्या समस्या है। माफ कीजिएगा सरकार, लेकिन इस मामले में आप मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। महाराज, आप शायद जानते नहीं कि कुलकर्णी सरकार केवल इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध वैद्य हैं। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इनके पास ना हो? लेकिन मेरी समस्या किसी रोग से संबंधित नहीं है। अपने राज्य को अंग्रेजी सरकार से बचाने के लिए मुझे एक पुत्र चाहिए।
इसीलिए मैं साईं के पास गया था। तो क्या साईं ने आपकी सहायता नहीं की? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। हरिओम हरिओम। एक बात बताऊं राजन, आपने बहुत बड़ी भूल की उस फकीर के पास जाकर। अरे वो एक साधा काला जादू करने वाला फकीर है, एकदम साधारण। हाँ मतलब काला जादू करता है, अनपढ़ गवार लोग, लोभी लोग उसके भक्त बन जाते हैं, कई सारे पढ़े लिखे भी हैं। एक बात बताइए, सच में उसके पास कोई शक्ति होती तो क्या आपको वो पुत्र नहीं दिलाता? बताइए। अरे ज्ञान की पुड़िया बांधकर कोई भी अपनी कमियों को, अपने दोष को छुपा सकता है और सहायता करने से मना कर सकता है, लेकिन राजन मेरे पास केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है, सफलता से भरा इतिहास है, मेरे पास एक राम बाण औषधि है, वो लेते ही आपको पुत्र हो ही गया समझो। लेकिन ऐसी तो कोई औषधि नहीं होती। और ना कहीं मिलेगी, क्योंकि मैं स्वयं हिमालय की गोद से जड़ी बूटियां लाया हूं। हरिओम जी। महाराज आपको शायद पता नहीं कि हमारे कुलकर्णी सरकार पूरे एक वर्ष तक हिमालय की गोद में बैठ के तपस्या करके आए हैं। कितने सांप कीड़े बिच्छू इनके ऊपर रेंगते रहे, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, अपनी तपस्या में लीन रहे। क्या सरकार, आप वैद्य हैं? मूर्ख कदा कहीं का कुछ भी बके जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है तुम्हें। अरे महाराज वहां के सिद्ध साधु महात्माओं से मैंने जड़ी बूटी का शास्त्र ज्ञात किया है। मेरे कहने का अर्थ वही था महाराज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.